नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। देश में चोरी चुपके से इंटरनेट पर पोर्न देखने वालों की संख्या भरपूर है। ऐसे में इंटरनेट पर ऐसे लोगों के लिए ठगी करने के लिए कई गिरोह सक्रिय हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां कुछ लोगों को इस ठगी वाले गिरोह ने पुलिस का फर्जी पुलिस नोटिस भेजकर पैसे ऐंठ लिए। आपको बता दें कि ऐसे गिरोह सोशल मीडिया की सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं। पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह कंबोडिया और तमिलनाडु से संचालित हो रहा था। हाईटेक जबरन वसूली गिरोह के भारतीय मास्टरमाइंड समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट को सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की धोखाधड़ी का पता चला और साइबर क्राइम टीम ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। फर्जी पुलिस नोटिस प्रदर्शित करने के लिए एडवेयर और ब्राउजर पॉपअप विंडो का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पीड़ितों को पोर्नोग्राफी देखने के लिए जुर्माना भरने का नोटिस दिया गया। भोले भाले पीड़ितों से जबरन वसूली के लिए UPI भुगतान और QR कोड का इस्तेमाल भी किया गया। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 20 से भी अधिक खातों के माध्यम से इस मामले की धोखाधड़ी के लगभग 30 लाख रुपए बटोरे जाने का पता चला है। भारतीय करेंसी के क्रिप्टो क्यूरेसी के माध्यम से देश से बाहर जाने का संदेश भी जाहिर किया गया है। DCP साइबर क्राइम यूनिट ने बताया है कि सोशल मीडिया पर नज़र रखे जाने के दौरान एक नोटिस के बारे में रिपोर्ट किया गया था, लोगों को कथित तौर पर पुलिस से प्राप्त हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्हें बताया जा रहा था कि चूंकि वे इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी देख रहे थे, जो इस देश में एक प्रतिबंध गतिविधि है, इसलिए उनके कंप्यूटर की सभी फाइलों को ब्लॉक कर दिया गया है और उन्हें ऐसी अवैध गतिविधि करने के लिए 3,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, 1 मिनट हमारे साथ।